आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी दिल्ली में विपक्ष की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। वहीं नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत के लिए आगे बढ़ रहे पहलवानों और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल प्रदर्शनकारी पहलवान 7 महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरद सिंह के गिरफ्तार की मांग कर रहे थे। पहलवानों के धरनों में अब तक क्या क्या हुआ? 18 जनवरी को जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना हुआ शुरू। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगा यौन शोषण का आरोप। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से की मुलाकात। 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। पहलवानों ने की ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की हुई थी सुनवाई। सुप्रीम आदेश के बाद ब्रजभूषण पर 2 FIR दर्ज। 3 मई को पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई थी झड़प। झड़प में पहलवान और 5 पुलिस वाले हुए थे घायल। 7 मई को खापों की हुई पंचायत। केंद्र सरकार को 5 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। 21 मई को फिर हुई महापंचायत और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत का फैसला। 26 मई को पहलवानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए संसद भवन के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश। पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया। कल दिल्ली में देश की नई संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पहलवानों का पैदल मार्च भी निकल रहा था। इसी दौरान पहलवानों की पुलिस से झड़प हुई और दोनों के बीच नोकझोंक के दौरान पुलिस ने उन पहलवानों पर लाठी चार्ज करते हुए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह पहलवान बिना अनुमति के उस ओर अपना मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों के बीच झड़प हुई थी। फिलहाल ये पहलवान लगभग 1 माह से अधिक समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसमें उनका आरोप है कि ब्रजभूषण के द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया है। इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में ब्रजभूषण की ओर से नार्को टेस्ट कराने की जो बात कही गई थी, उस पर भी अभी तक अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर लगातार पहलवानों में आक्रोश भी था। लेकिन अब जंतर मंतर से जिस तरह से उनका ये पैदल मार्च निकला था, उस दौरान अब हिरासत में लिया गया और उनका टेंट भी उखाड़ दिया गया, जिसको लेकर पहलवानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पहलवानों को गिरफ्तार किया और धरना स्थल से उनके टेंट उखाड़ दिए, जहां पहलवानों का आरोप है कि उन्हें हिरासत में ले जाने के दौरान उन्हें घसीटा भी गया और पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के वीडियो भी सामने आए हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ कई नेताओं ने उनका समर्थन किया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया था। बता दें कि पहलवान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 पर नए संसद भवन के लिए निकले, जहां दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। ऐसे में नए संसद भवन तक जाने के लिए निकले पहलवानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने साक्षी मलिक समेत कुछ पहलवानों को हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद पहलवान नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने पर अड़े रहे और पहलवानों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालने को अपना अधिकार बताया और दिल्ली पुलिस पर देश विरोधी कहने का भी आरोप लगाया। वहीं पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं
और उन मेडलों से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। यह एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहलवानों पर हुई कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने पहलवानों का समर्थन भी किया। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से महिला पहलवानों के समर्थन में यूपी का किसान भी उतर आया है और पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के बाद धरना स्थल यानी जंतर मंतर पहुंच गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा धरना स्थल को भी हटाया गया। पुलिस के इस रुख से साफ है अब पहलवान जंतर मंतर पर दोबारा धरने पर नहीं बैठ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और दिल्ली पुलिस ने 3 बजे तक के नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों से प्रवेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही खाप पंचायत और किसान संगठनों को चेता दिया था कि वो नए संसद भवन की ओर कूच ना करें, लेकिन किसान और धरने पर बैठे पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया था। वहीं रविवार सुबह से किसी को दिल्ली के सीमाओं में प्रवेश करने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठक कर पहलवान नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों और प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से पुलिस कार्यकर्ताओं के घर जा रही है और दिल्ली जाने के हर रास्ते पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर रखी है। ये लोग कह रहे हैं आगे ना जाओ, ऐसा तानाशाही रवैया कभी नहीं देखा। उनकी जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उनकी फोर्स है, जाते रहे लोग, हर रोज हम जाते हैं धरना, वहां पर हमारा चल रहा है, एक ही जगह अभी धरना रहेगा और यहाँ पर धरना। यहाँ से संदेश ये है कि ये आंदोलन पूरा सक्सेसफुल है, पूरा प्रदेश में कई प्रदेशों की पुलिस लोगों को रोक रही है, उनके घर पर रोक रही, उनको थाने में बैठा रखे आए। तो आंदोलन एक चर्चा होती है, आंदोलन एक मैसेज होता है। बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जहां FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। फोगाट ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने में महज 7 घंटे भी नहीं लगे। बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। पुलिस का कहना है कि अब पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। संसद भवन की ओर महापंचायत करने जा रहे पहलवानों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया और पहलवानों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी के बाद देर रात बजरंग पुनिया, साक्षी समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR भी की गई, जिसमें बताया गया कि इन लोगों ने बिना अनुमति के उस ओर अपना पैदल मार्च निकाला था। फिलहाल इस मामले को लेकर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ और जंतर मंतर से पहलवानों का टेंट भी उखाड़ दिया गया, इस मामले को लेकर पहलवानों में काफ़ी आक्रोश भी है। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में जो पहलवान हैं उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना और बिना अनुमति के पूरा पैदल मार्च निकालना समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पहलवानों ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने जिस तरीके से जंतर मंतर पर अपना विरोध 1 माह से अधिक समय से ब्रजभूषण के खिलाफ दिखा रहे थे, उस विरोध को इन लोगों के द्वारा
फिर से शुरू किया जाएगा और जंतर मंतर पर एक बार फिर से टेंट लगाकर अपना विरोध दर्ज कराकर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी तरह की उन लोगों को कोई परमिशन नहीं दी गई है। अगर उन लोगों के द्वारा उस स्थान पर दोबारा प्रदर्शन किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से इन पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया, लेकिन अब इन पर लाठीचार्ज की जो बातें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर लोगों में भी काफ़ी आक्रोश दिख रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें तरह तरह के कमेंट समेत विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह से पहलवान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उस विरोध में क्या इन पहलवानों को इंसाफ मिलेगा या फिर इनकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और ब्रजभूषण जो है वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।